के जो केसरी के लाल मेरा छोटा सा ये काम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया राम। फिर तुम हो अपने भक्तों की जगाते तकदीर, तुम हो इस दुखिया का दुख तुम लेते हो थाम, मेरे राम जी से कह देना जय सिया। हेलो गाइस, आज हमारे यहाँ बालाजी मंदिर में भंडारा है सवा मनी, मुझे वहाँ जाना है इसलिए मैं तैयार हो रही हूँ। चलती हूँ अभी मंदिर पहुँच के, मैं आपको दर्शन कराऊंगी मंदिर के। गाइस, बालाजी मंदिर हम पहुँच गए हैं, अब मैं मंदिर के अंदर जा रही हूँ। निकाला कैसे जाता है तो मेरा मुझे पहली चाल है। ये देखिए यहाँ भंडारा बन रहा है, सारा मंदिर पहुँच गए, ये भंडारा की पूरी व्यवस्था चल रही है, पूजा हो गई है मंदिर की, आरती होने जा रही है। बाबा सब लोग बैठे, जय काली, शमशान भैरव बाबा। ये प्रेतराज सरकार है, शनिदेव का मंदिर, ये समाधि वाले बाबा। हमारे यहाँ नर्मदेश्वर महाराज जी की स्थापना हुई, सीताराम भगवान माता। हाँ, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे आके, बाबा के दर्शन हो जाते हैं। बजरंगबली बाबा की, बालाजी का बहुत ही सुंदर मंदिर है और यहाँ सवा मनी भंडारा चल रहा है। ये देखो पूरी भंडारा, बाबा का आज आगमन हुआ है भंडारे, भंडारे में बाबा गोभी आलू की सब्जी बनाने के लिए मैंने सारी तैयारी कर ली है, अब मैं बनाने जा रही हूँ। थोड़ा अदरक का पेस्ट, उसके बाद में उसमें हल्दी डाली,
है। अब इसमें मैं गोभी डालूंगी, गोभी पहले तल लेती हूँ, इसमें वो गलती नहीं है, नहीं तो एकदम गोभी पूरी मिक्स हो जाती है। थोड़ा भुन जाएगी तब उसमें मैं टमाटर डालूंगा। देखिए हल्का सा कलर इसका चेंज हो गया। अब इसमें मैं टमाटर, पीसी धनिया, मत थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा नमक, दो मिनट हो गए डाले हुए। अब इसमें आलू डाल, इस तरह से मेरी गोभी आलू की सब्जी बन। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करिएगा, और आप ये भी बताइए कि आप हमको कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, जिससे हमें पता चले कि मेरा वीडियो लोग कहाँ कहाँ तक देखते हैं। फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं।